डिस स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑटोक्रेसी अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलीटेरियनिज्म ऑटोक्रेसी रिफर्स टू अस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज कंसनट्रेट इन देंड्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो ताकत होती है या जो पावर होती है वो किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक फ़र्द वाहिद के इख्तियार में होती है या एक ख़ास लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप के अख्तियार में होती है अथॉरिटेरियनिज्म इन्वॉल्व अ पोलिटिकल सिस्टम इन विच पावर इज़ सेंट्रलाइज्ड एंड कंसनट्रेट इन द हैंड्स ऑफ आ स्मॉल ग्रुप और एलिट जो अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट दैन द ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर जो ताकत का अख्तियार या ताकत का इस्तेमाल है वो एक ख़ास ग्रुप या एक पर्टिकुलर एलीट क्लास के हाथों में होता है जिसकी वजह से वो यूज़ ऑफ अथॉरिटी या यूज़ ऑफ पावर को एक्सरसाइज करती है दैन टूटिटेरियनिज़म इज़ अ फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म दैट सीक्स टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी इकॉनमी कल्चर एंड पर्सनल बिहेवियर तो चूंकि अथॉरिटेरियनिज़म और ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक ख़ास ग्रुप या इंडिविजुअल के पास ये अख्तियार चला जाता है इसी वजह से इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम टोटलीटेरज़म कहते हैं कि जिसके अंदर वो अपनी यूज़ ऑफ़ पावर के ज़रिए हमारी जो रोज़मर ज़िंदगी के तमाम मामलात होते हैं वो अपने इख्तियार या अपने कंट्रोल के अंदर ले लेते हैं और बहुत माइक्रो मैनेज करते हैं जिसमें कि एक इंडिविजुल या फर्द वाद की ज़िंदगी जो है वो सारी की सारी उसी पोलिटिकल गमेंट के ज़रिए जो है वो रन की जा रही होती है दीज थ्री कैटेगरीज रिफ्लेक्ट डिफरेंट वेज इन विच पोलिटिकल पावर कैन बी ऑर्गेनाइज एंड एक्सरसाइज इन द सोसाइटी इन पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल इज अ कंट्री दैट हैज़ एक्सपीरियंस द पीरियड ऑफ बोथ ऑटोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन रूल विद फ्रिक्वेंट कूज एंड पीरियड्स ऑफ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान के अंदर भी चूंकि मिलिट्री रिजीम की वजह से हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को देख चुके हैं और ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स को भी देख चुके हैं तो इस वजह से हमें ये अंदाज़ा है कि किस तरह से आटोक्रेटिक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक टूटलीटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती हैं जिसमें वो ताकत का इस्तेमाल इस अंदाज़ से करती हैं कि हमारे जितने भी इदारे होते हैं जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब जो हैं उन्हीं के ज़रिए उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ज़रिए रेगुलेट हो रहे होते हैं सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स इज़ असेंशल फॉर एनालाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी तो चाहे वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या अथोरिटेर गवर्नमेंट हो इसके माशरे के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं लोगों के रवैयों के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इससे किस तरह से अफेक्ट होते हैं सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना ये समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे जितने भी कोलेक्टिव बिहेवियर्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं होते हैं सोशलाइजेशन ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होती है बल्कि माशरे के अंदर मौजूद जो पोलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं या जो पोलिटिकल इन्वामेंट होता है वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि किसी भी इंडिविजुअल का एक्शन जो है उस कॉन्टेक्स के अंदर अंडरस्टैंड किया जा सके So, the study of different types of political systems requires a multidisciplinary approach incorporating perspectives from sociology, political science, and history. Scholars have debated the natural uh, nature of political power and its effect on individual and society. And if we see that by analyzing all these complexities of different types of political systems, we can gain a deeper understanding of the ways in which इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ नेविगेट दिस चैलेंजेस तो हमारे लिए ये जानना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं या अथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं इनके क्या असरात मुरतब होते हैं जैसे फूड फॉर था फॉर यू एस वेल कि आप एनालाइज करें पाकिस्तान के अंदर जिन जिन पीरियडस में मिलट्री रजीम रही को हुआ मिलट्री को हुआ उस वक़्त जो भी ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गर्मेंट्स थी उनकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ की वजह से लोगों की जो सोशल लाइफ है वो किस तरह से अफेक्ट हुई डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से अफेक्ट हुए गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट हुए ख़ासतौर पे हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर यू